सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आज का विषय कुलदेवी और कुलदेवता के बारे। कुलदेवी कुलदेवता का महत्व। हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान सदैव उच्च रहा है। हर हर में कुलदेवी या देवता की पूजा होती है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज है, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया विभिन्न कर्म करने के लिए, जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाति कहा जाने लगा। पूर्व के हमारे ऋषि कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने आराध्य देवी देवता को कुल देवता अथवा कुल देवी का कहकर उन्हें पूजना शुरू किया था, ताकि एक आध्यात्मिक और पालौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियां ऊर्जाओं और वायव्य बाधाओं से रक्षा होती रहे तथा वे निर्विघ्न अपने कर्म पथ पर अग्रसर रह उन्नति करते रहे। समय क्रम चलता गया, परिवार बढ़ता रहा और जीवन उपार्जन के लिए परिवार के सदस्य दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने लगे। कोई धर्म परिवर्तन करने, कोई आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने लगे, जानकार व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कारों के क्षय होने लगा, परिवार में अंतर जातीय विवाह से संस्कार भूलते जाने से, परिवार के पीछे के कारण को न समझ पाने आदि इत्यादि कारण से बहुत से परिवार अपने कुल देवता था कुल देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा। बहुत से परिवार अपने जीविकापार्जन के लिए गांव छोड़कर शहर में जा बसे या देश छोड़कर विदेश। फिर वो घिरे घिरे परिवार से दूर होते गए और अपने पारिवारिक सदस्य भूलते गए, अपने अपने कामकाज में लग गए। ऐसे परिवार को पता ही नहीं कि उनके कुल देवता या कुल देवी कौन है, किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के गर्व में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्व में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुलदेवी या कुलदेवता दरअसल कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है। अतः इनकी उपासना या महत्व दिए बगैर सारी पूजा एवं अन्य कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो अन्य कोई देवी देवता दुष्प्रभाव या हानि कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं समझे, यदि घर का मुखिया पिताजी माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। कुलदेवी की कृपा से पूरे परिवार में शांति एवं संपन्नता आती है। कुलदेवी कुलदेवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, आने वाले संकटों को हटा देते हैं। इसीलिए पूजाओं में यज्ञ में कुलदेवी कुलदेवता की पूजा का विधान है। कुलदेवी कुलदेवता के साधन करने से पितृ दोष दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार माँ बाप स्वतः अपने पुत्र पुत्रियों के कल्याण के प्रति चिंतित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कुलदेवी कुलदेवता अपने कुल के प्रति कृपा करने को तत्पर रहते हैं। ठीक माँ बाप एक कुल के अभिभावक की तरह अपने कुल की उन्नति समृद्धि और साधन युक्त बनाने की हर तरह से सहायता करते हैं। वे अपने कुल को सहायता करने से अपने आप में अपूर्व आनंद होते हैं। परिवार के सुख उन्नति समृद्धि में कुलदेवी कुलदेवता की हाथ बहुत बड़ा होता है। मूल रूप से कुलदेवी कुलदेवता अपनी कृपा कुल पर वरसाने को हमेशा तत्पर रहते हैं, पर देव योनि में होने के कारण बिना मांगे स्वत देना उनके लिए उचित नहीं होता। इसलिए हवन यज्ञ पूजा आरती में कुलदेवी कुलदेवता का पूजा का विधान है। कुलदेवी कुलदेवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुल की सहायता हमेशा करते हैं। व्यक्ति की पहचान सर्वप्रथम कुल से होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जिस प्रकार नाम होता है, गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल भी होता है। कुल अर्थात खानदान या वंश परंपरा। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपना गोत्र ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कुल परंपरा में उसे कुल के पूजित देव देवता अवश्य होते हैं। इसलिए बार त्योहार पर्व जन्म आदि में कुल देवी देवता को भोग अर्पण अवश्य दिया जाता है, जो कि उनके द्वारा किया गया काम सुख शांति से हो जाते तथा घर में उन्नति समृद्धि फैलती जाए। कुल देवता कुल देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो उनको जीवन में कोई खास अंतर नहीं समझ में आया। फिर घिरे घिरे समय गुजरता गया और काल चक्र बढ़ता गया, सुरक्षा चक्र हटता गया, तो परिवार में दुर्घटनाओं नकारात्मक ऊर्जा वायव्य बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो गया, उन्नति रुकने लगी, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाए, संस्कारों का क्षय नैतिक पतन कलह उपद्रव अशांति शुरू हो गई, तब ये समाधान करने की और भागने लगे। पंडित तांत्रिक ज्योतिषी आदि इत्यादि को दिखाने से इनको पता चला कि कुलदेवता या कुलदेवी की महिमा क्या होती है।
हर व्यक्ति अपने दुखों का कारण खोजने का प्रयास करता है। कारण जल्दी नहीं पता चलता क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है, अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। हर हिंदू घर में कुल देवता या कुल देवी वो सुरक्षा आवरण है जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी ईष्ट को दी जाने वाली पूजा को ईष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी ईष्ट की आराधना करें वह उस ईष्ट तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही ईष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न ईष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुलदेवता की निर्लिप्तता अथवा उनके कम सशक्त होने से होता है। कुलदेवता या कुलदेवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति, उलटफेर, विधर्मीय क्रियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतया इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा दो बार निश्चित समय पर करना बहुत जरूरी है। यह परिवार के अनुसार भिन्न समय होता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति होती है। शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती हैं। यदि यह सब बंद हो जाए तो यह नाराज होते हैं या कोई मतलब न रख मूक दर्शक हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पालौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अपने परिवार या गोत्र के बुजुर्गों से कुलदेवता या कुलदेवी के बारे में जानकारी लेवे। यदि मालूम न हो तो यह जानने की कोशिश करे कि झरूला, मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरानुसार कहाँ होता है, जात कहाँ दी जाती है या विवाह के बाद एक अंतिम फेरा 5, 6, 7 वां कहाँ होता है। हर गोत्र धर्म के अनुसार भिन्नता होती है। सामान्यतः ये कर्म कुलदेवी कुलदेवता के सामने होते हैं और यही इनकी पहचान है। कुलदेव परंपरा भी लुप्त प्राय हो गई है। जिन घरों में प्रायः कलह रहती है, वंशावली आगे नहीं बढ़ रही है, निर्वंशी हो रहे हो, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, विकृत संतानें हो रही हो अथवा अकाल मौतें हो रही हो, उन परिवारों में विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी कभी इस तरह के उत्पात पितरी देव पितर के कारण भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथायोग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नति होती रहे। यदि घर में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति बनानी है, रू के काम अर्चन, रोग दोष व्याधि हटानी है तो सबसे पहले आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को मनाने की जरूरत है। उनको प्रश्न करने के लिए उचित पूजा, हवन, यज्ञ करने की जरूरत है। ये सब काम उनके बिना प्रश्न किए संभव नहीं है।